Unacademy presents All India Mock Test for CSIR UGCNET 2022. Complete your final revision for CSIR with All India Mock Test for CSIR UGCNET 2022. ये हो रहा है आपका 23 जनवरी 2022 से लेके 6 फरवरी 2022 तक. Curated by top educators, cover your entire syllabus, experience actual exam-like settings, win amazing vouchers, identify areas of improvement with detailed analysis and video solutions. You can enroll for this mock test by going through the link given in the description of this video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी. गेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह. हमने पिछले वीडियो से स्टार्ट किया था साइनोफाइसिस, जहां पे हमने ग्लियोकैप्सा देखा, माइक्रोसिसिस के लाइफ साइकिल में हमने बात किया, स्पिरुलिना भी देखा था और ग्लियोट्राइकिया भी हो चुका था. इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चार मेंबर्स का, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक और रिवुलारिया के बारे में. सबसे पहले हम देखते हैं ऑसिलेटोरिया, जो कि हमारा होगा पांचवा मेंबर साइनोफाइसिस से. ऑसिलेटोरिया एक फ्रेश वाटर एल्गा है और इसका फिलामेंट अनब्रांच्ड होता है. तो फिलामेंटस एल्गा ये हो गया. और खास बात ये है कि इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है. दैट मींस फिलामेंट्स क्या होते हैं, यूनिसेरिएट होते हैं. जैसे कि यहाँ आप पिक्चर पे देख सकते हैं, एक ही सेल होता है, उसके ट्रांसवर्स डिवीजन से जो है सेल्स एक उसमें ग्रो करते रहते हैं लॉन्गिट्यूडनली, और बगल में कोई सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, तो एक यूनिसीरिएट कहलाता है. कुछ स्पीसीज में अब देखिए इनमें पोलरिटी भी होती है. एपिकल सेल होता है एक साइड बेसल सेल होता है. एपिकल सेल पे यहाँ पे एक थिकेंड मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे हम कैलिप्ट्रा बोलते हैं. तो अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कहाँ पे कैलिप्ट्रा पाया जाता है किस एल्गी में, तो आप बताइएगा ऑसिलेटोरिया. ठीक. और एक खास बात है ऑसिलेटोरिया के बारे में कि सेल्गा में कैपेसिटी होती है कलर चेंज करने की, अगर आप इसे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में लाते हैं तो. इसको गाइडकोव ने डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए इसको गाइडकोव फिनामिना बोला जाता है. ये एक प्रकार का क्रोमेटिक एडाप्टेशन है और इसको क्रोमेटिक एडाप्टेशन भी बोला जाता है ऑसिलेटोरिया का. अगर हम ग्रोथ की बात कर लें तो ऑसिलेटोरिया जो है ये इंटर कैलरी ग्रोथ शो करता है. दैट मीन्स एक कहीं पे जो डिविजन होता है स्पेशलाइज्ड रीजन में होता है वो एपिकल की तरफ सेल डिवाइड करके बनाता है और बेस की तरफ भी सेल्स डिवाइड करता है. मैं दोनों साइड इस टाइप के ग्रोथ को हम इंटरकैलरी टाइप ऑफ ग्रोथ बोलते हैं. ओके. कभी कभी क्या होता है, इनके सेल्स जब रैपिडली डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे इस रैपिडली डिवाइड करते हुए कुछ फाइन इंटरकनेक्शंस वो छोड़ जाते हैं जिसको प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है. और इस टाइप के सेल डिविजन को हम प्रिमिटिव माइटोटिक और अमाइटोटिक बोला जाता है. ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा. ऑसिलेटोरिया जो है दो टाइप के मूवमेंट शो करता है. एक को हम बोलते हैं ग्लाइडिंग या क्रीपिंग मूवमेंट, जो कि जो होता है जैसा कि फिलामेंट है इसी के डायरेक्शन में, जैसे फिलामेंट का ये लेंथ वाइज है, इसी में ये इधर मूव करेगा एक ही डायरेक्शन में. और एक सेकेंड होता है ऑसिलेटोरी मूवमेंट, जिसमें जो जब जैसे ये मूव कर रहा है आगे की तरफ तो फिलामेंट इसका ऐसे ऐसे हिलता रहता है. ठीक है, लेफ्ट एंड राइट और ये आगे बढ़ता चला जाता है. और ग्लाइडिंग में आप जिधर मूव हो रहा है उधर ये बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्लाइड करता है. तो दो टाइप के मूवमेंट हो गए ऑसिलेटोरिया में. रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें ऑसिलेटोरिया में, तो यहाँ पे जैसे आपको पता है साइनोफाइसिस के मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये केवल वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं. तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन होता है. अगर फिलामेंट का मान लीजिए कहीं से फ्रैगमेंट हो जाए तो वो नया थैलस बना लेता है, नया फिलामेंट में ग्रो कर जाता है, या तो हार्मोगोनिया होते हैं. हार्मोगोनिया क्या होते हैं, मल्टी सेल स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे मान लीजिए फिलामेंट है, यहाँ का एक सेल डेड हो गया, यहाँ का एक सेल डेड हो गया, तो ये बीच का स्ट्रक्चर जो रहेगा वो हार्मोगोनिया बनाता है. और इसे जो दो डेड सेल्स हुए इसको हम नेक्रिडिया बोलते हैं. ठीक, और सेपरेशन डिस्क के तरीके से बिहेव करते हैं, वहां से फिलामेंट टूट जाता है और वो हार्मोगोनिया रिलीज होके नया फिलामेंट ऑसिलेटोरिया का बना लेता है. ये था इसका रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट एल्गी पे आते हैं हम, जो कि है आपका एनाबिना, मेंबर नंबर 6 फ्रॉम साइनोफाइसी. ये भी एक फ्रेश वाटर एल्गी है और टॉप ऑफ द सॉइल पे भी ये पाया जाता है. कुछ जो है एनाबिना के इस भी चीज वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं. आपने पढ़ा होगा कोरलाइड रूट्स ऑफ साइकस वहाँ पे होते हैं. जोला के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो एक टेरिडोफाइट है उसके लीव्स में भी ये पाया जाता है.
और ये भी फिलामेंटस होते हैं, ये भी अनब्रांच होते हैं, यूनिसेरिएट भी कंडीशन यहाँ पे पाया जाता है, और ये सॉलिटरी और कोलिनियल फॉर्म दोनों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसका जो फिलामेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि यहाँ पे हेटरोसिस जो होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 9-10 सेल बाद, फिर 9-10 सेल बाद आपको हेटरोसिस देखने को मिलेंगे, और बीच बीच में एकाइनेट्स भी होते हैं जो कि पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। एनाबिनर दो टाइप के टॉक्सिन भी इंपॉर्टेंटली टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस करता है, एक एनाटॉक्सिन है और दूसरा माइक्रोटॉक्सिन है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें एनाबिना का, तो ये यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया, एकाइनिड्स, इन सबसे जो होता है इनका रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन इज नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया मैंने आपको बताया डेड सेल्स के बीच का पार्ट, एकाइनिड क्या है इनका थिक वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और उसमें ग्रो करा, फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो एकाइनिड्स ग्रो करके नया एनाबिना का थैलस बना लेते हैं। अब आते हैं हम नॉस्टॉक पे। नॉस्टॉक क्या है? नॉस्टॉक एक फ्रेश वाटर एल्गा है, ये टेरेस्ट्रियल भी होता है। फ्रेश वाटर फॉर्म जो होते हैं इनकी कॉलोनीज भी बनाते हैं। कुछ नॉस्टॉक के स्पीसीज जो होते हैं इंडोफिटिक होते हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। जो नॉस्टॉक पंक्टेनी फॉर्मे है वो कोरेलाइड रूट जो होते हैं साइकस के, ठीक उनके साथ ये सिम्बायोसिस शो करता है, और कुछ एंथोसीरस जो एक क्या है आपका ब्रायोफाइट है उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। म्यूसलेज जो होते हैं डक्ट्स उनमें वो रहते हैं, ठीक है, म्यूसलेज कैविटी आप बोलिए। नॉस्टॉक स्फेरिकम और नॉस्टॉक कोलेमा दो स्पीसीज है जो लाइकेन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, दैट मीन्स वो एक्चुअली फंगस के साथ एसोसिएशन करके लाइकेन बनाते हैं, ठीक। तो इनका फिलामेंट अनब्रांच होता है, मोनिली फॉर्म होता है, मोनिली मतलब बीड लाइक स्ट्रक्चर, एंड यूनिसेरिएट ये भी होता है। हेटरोसिस यहाँ पे अभी पाए जाते हैं। अब जो इंटरकैलरी मतलब बिटवीन जो यहाँ फिलामेंट के अंदर होते हैं अंदर की तरफ, वो वहाँ पे दो पोलर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और कभी कभी जो अगर जो टर्मिनल हेटरोसिस्टेन में बनता है तो वहाँ पे वन पोलर न्यूड्यूल पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया, एकाइनिड्स लाइक दैट ऑफ एनाबीना, और कुछ में जो होता है हेटरोसिस से भी होता है, जैसे नॉस्टॉक कम्यूने, कुछ में इंडोस्पोर भी बनता है जैसे कि ये कम्यूने और माइक्रोस्कोपिकम जो है स्पीसीज नॉस्टॉक का, उसमें इंडोस्पोर भी बनता है। इंडोस्पोर्स आर लाइक एकाइनिड्स बट देयर वॉल्स आर नॉट एज थिक एज ऑफ काइनिड्स, ओके। अब एक स्पीसीज है नॉस्टॉक म्यूको मस्कोरम, एक्चुअली यहाँ पे एनास्टोमोसिस भी शो किया जाता है, जहाँ पे जैसे सोमेटोगेमी होती है वैसे ये भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे जेनेटिक चेंज देखने को मिलता है। अब हम आते हैं मेंबर नंबर 8 पे, जो कि है आपका रिबुलारिया, और लास्ट मेंबर है यहाँ पे जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद एक और बचा है साइटोनिमा, और प्लस जो कि सारे एमसीक्यूज हैं साइनोफाइसी के मेंबर पे बेस्ड, वो भी मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तो ये रिबुलारिया एक फ्रेश वाटर एल्गा है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी पाया जाता है। फिलामेंट इसका भी अन ब्रांच यूनिसेरिएट होता है, और इनका आप देखेंगे जो एक फिलामेंट होता है नीचे की तरफ बेस की तरफ ब्रॉड होता है, और अपेक्स की तरफ ये नैरो होते चले जाते हैं, ठीक। बेस पे इनके एक सिंगल हेटरोसिस्ट पाया जाता है विथ वन पोलर न्यूड्यूल, और ये जो कॉलोनी बनाते हैं वो हेमिस्फेरिकल होता है या इरेगुलर हो सकता है। फाल्स ब्रांचिंग यहाँ पे एक खास बात है इनकी, कि यंग जब कॉलोनी बनती है इनमें फाल्स ब्रांचिंग भी नोटिस किया जाता है, ठीक। मतलब एक्चुअल में वो ब्रांचिंग नहीं होती, ब्रांच जैसा दिखता है, लेकिन ये मेच्योर कॉलोनी में ये फाल्स ब्रांचिंग लॉस्ट हो जाती है। ग्रोथ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ भी ग्रोथ ट्राइकोथैलिक ही होता है। टॉक्सिन जो होते हैं ये एक्चुअली एनाबीना वाला पार्ट इसमें आ गया, इसको आप छोड़ दीजिएगा, एनाबीना वाला पार्ट इसमें आ गया, मैं इसको रिमूव करना भूल गया। रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे हार्मोगोनिया और कभी कभी रेयरली हेटरोसिस के द्वारा भी इनका रिप्रोडक्शन होता है। अब एक खास बात और है, रिवुलारिया जो है एकदम ग्लियोट्राइकिया जो मैंने आपके ऊपर बताया था पिछले लेक्चर में उसकी तरीके से दिखता है। दोनों में यही अंतर है, यहाँ पे टर्मिनल एंड पे हेटरोसिस पाया जाता है, ग्लियोट्राइकिया में आप देखेंगे वहां भी टर्मिनल एंड पे आपका हेटरोसिस पाया जाता है, लेकिन हेटरोसिस के बाद वहां पे जो ग्लियोट्राइकिया है वहां पे एक एकाइनिड भी पाया जाता है, लेकिन वो रिवुलारिया में अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हेटरोसिस्ट और फिर वेजिटेटिव सेल्स कंटिन्यू हो जाते हैं, और अगर मैं आपको ग्लियोट्राइकिया का वो दिखा पाऊँ तो वहां पे आप देखेंगे, ये देखिए ग्लियोट्राइकिया, यहाँ पे हेटरोसिस्ट है जस्ट इसके पीछे एकाइनिड भी होता है हेटरोसिस्ट से।
तो ये दोनों में अंतर है, नहीं तो ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं नॉर्मली अगर माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे। तो ये था आपका चार मेंबर, और मैंने बता दिया नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करता हूँ साइटोनीमा के बारे में, और इन सब पे बेस्ड एमसीक्यूज भी मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।